अल्लाम हेलो एंड गुड इवनिंग व्यवर्स मैं हूँ आपका हौस महबूब शेख टर्न टू थ्री सिक्सटी टी वी और फेस टू तो फेस के साथ नाजरीन फेस टू तो फेस तो स्पेशल एपिसोड के अंदर आज हमारे दरमियान जो मेहमान मधु किए गए हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं मीडिया इंडस्ट्री के लेजेंड कहलाते हैं सबक वफाकी वजीर हैं सबक सैनिटर रह चुके हैं मतलब इतनी सारी किताबों के मुसन्फ़ हैं कि अगर मैं आपको उनकी किताबों के नाम गिनना शुरू करूँगा तो प्रोग्राम शायद मुश्तक महदूद रहेगा मैं चाहूँगा कि उन तक जाए स्कॉलर हैं मीडिया इंडस्ट्री समेत बहुत सारे लोगों को उस्ताद मोहतरम का दर्जा भी रखते हैं वो हमारे लिए मेरे तो खास तौर तो पर उस्ताद मोहरम भी हो चुके हैं मैं बात कर रहा हूँ जनाब द दंड जावेद जबार साहब जावेद जब्ार साहब वेलकम टू टो थ्रीस इन कैनेडा बहुत शुक्रिया महबूब शेख साहब आपकी खुश अखलाकी का और तारुफ का बहुत खुशी महसूस हो रही है आपसे मिलने की और थ्री सिक्सटी में शामिल होने की शुक्रिया जावेद जबार साहब वट इज़ पाकिस्तानियत

वो भी बहुत आला दर्जा रखते हैं जो लोग पहले से ही वहाँ मौजूद थे उनके वालदेन उनके बुजुर्गान कई सदियों से वहाँ रह रहे थे तो वो पाकिस्तानी पैदा हुए लेकिन हमारी नौईयत मुख्तलिफ है हम पैदा कहीं और हुए और फिर एक दानिस्त तौर पर फैसला किया कि हम पाकिस्तानी बनेंगे पाकिस्तानी बाई चॉइस तो इस तरह के पाकिस्तानी को ज्यादा शायद दिलचस्पी होती है एहसास होता है कि एक नई शिनाख्त हमने अपनाई है यह शिनाख्त का वजूद क्या है क्या ये वो शिनाख्त है जो बाकी के और अनासर जो बनते हैं इंसान की शनाख्त को बनाने में आ, क्या वो रोल से ज्यादा अहमियत होता है ये हिजरत का और चॉइस का तो इस इस मौजू को स्टडी करने में मेरे सफर ने मुझे पहुंचाया कुछ दस साल पहले इस मरहले पर कि कौम की नौीय को हम स्टडी करें कि रियासतों का वजूद कैसा होता है अकवाम मतदा में वन हंड्रेड नाइन्टी थ्री रियासतें अरकान हैं चाहे वो बहुत छोटा मुल्क हो मॉल तीन लाख की आबादी है एक हजार उनके जजीरे हैं मुसलमान हैं उनकी अपनी जबान है और बहुत करीब है पाकिस्तान बाईस करोड़ और पाकिस्तान है लेकिन पाकिस्तानी लैंग्वेज नहीं है उर्दू हमारी जबान है जो सिर्फ दस फीसद आबादी की मादरी ज़बान है। वो कौमी ज़बान कौमी जबान है लेकिन वह कौमी जबान भी है तो बिल्कुल मुख्तलिफ जबकि अकवाम मतदा में बिल्कुल एक जैसे मॉलिवस का भी एक वोट है पाकिस्तान का भी एक वोट है तो क्या सारी रियासतें या सारी कौमों का वजूद यकसा होता है या मुख्तलिफ तो इस बुनियादी सवाल के मुख्तलिफ जवाब ढूंढने के सिलसिले में मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि पाकिस्तान की नोईत जो है वजूद में आने की नौत एक कौम के एतबार से और एक रियासत के एतबार से बाकी के सारी कौमी रियासतों से बहुत मुख्तलिफ है उहुँ। अनोखी है और वो क्यों अनोखी और क्या उसका असर हमारी शिनाख पर पड़ता है या नहीं तो हमारी क्या अनोखी बात है हमारी अनोखी बात यह है कि हम वाहिद वाहिद कौमी रियासत हैं जो कि पैदा ही हुई एक अजीब वरीब बेढंग अंदाज में हाँ एक तरफ मगरबी पाकिस्तान एक तरफ मशरकी पाकिस्तान, पाकिस्तान और इसको समझाने के लिए अमरीका में जब लेक्चर देता हूँ या कहीं भी तो मैं समझाता हूँ बहुत आसानी से उनको समझ में आ जाती है बात मैं कहता हूँ आप तस्वर करें अमेरिका जन्म ले रहा है न्यूयॉर्क एक तरफ कैलिफोर्निया और और बीच में बैठा हो रूस सोवियत सो यूनियन हमारे हमारे हाल को देखें 1947 में मशरकी मगरबी पाकिस्तान बीच में बैठा है हिंदुस्तान, हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के रहनुमा कह रहे हैं खुलेआम कि पाकिस्तान सिर्फ छह माह टिकेगा।, टिकेगा और अगर एक तरफ ये अजीब एक यू नो हॉस्टिलिटी के अंदाज को देखें तो दूसरी तरफ जहां हम तो कर रहे थे कि भाई मुसलमान पड़ोस मुल्क अफगानिस्तान हमें तो खुश आमदेद कहेगा तो माशा वाहिद रियासत अकवा में की जिसने इख्तलाफ किया और मुखालिफत की पाकिस्तान को रुकन बनाने की वो था अफगानिस्तान क्योंकि उसने हमारे सरहद को तस्लीम करने से इनकार किया तो ऐसी मुख्तलिफ और मुश्किल हालात में पैदा होने वाला एक एक कौमी रियासत कैसे उसने सरवाइव किया और पहले ही दस पंद्रह साल में अचानक एक मोज़े के तौर पर एक ऐसा मुल्क जिसको छ महीने दिए गए थे उसकी मीषत की तरक्की हिंदुस्तान की तरक्की से ज्यादा आगे निकली हमने सारी मुश्किल का सामना किया बहुत कम महदूद इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ हमने शुरू किया कराची जैसा शहर दो लाख आबादी और अचानक रात रात वो बन जाता है एक बहुत बड़ा शहर कौन हाँ। पूरे पाकिस्तान में टेन मिलियन पीपल एक करोड़ लोग आते हैं हिजरत कर कर उसको भी एब्सॉर्ब करना कश्मीर में हफ्तों के अंदर एक जंग के अंदर हमें शामिल कर दिया जाता है क्योंकि गैर कानूनी कब्जा हिंदुस्तान उस पर मसलत करता है वो सारी मुश्किल का सामना करते हुए पाकिस्तान बन जाता है और सरवाइव कर जाता है।, है और फिर चौबीस साल में सान होता है कि हम दो टुकड़े हो जाते हैं और लोग समझते हैं कि जी अब तो पाकिस्तान खत्म हो गया टू नेशन थ्योरी खत्म हो गई टू नेशन थ्योरी आप जानते हैं ना कि जी मुसलमान और हिंदू दो अलग कौम अब एक तासुर आज भी पाकिस्तान में ये गलत फहमी पाई जाती है कि 1971 में टू नेशन थ्योरी खत्म हो गई क्योंकि हमारे मुसलमान भाई बहनों ने रद्द कर दिया पाकिस्तान को लेकिन मैं इससे इख्तिला करता हूं जो 1971 में हुआ वो पाकिस्तान की रियासत को रद्द करने की एक हरकत थी मुसलमान कौमीत के तस्वुर को रद्द नहीं किया गया क्योंकि नाइनटीन सेवेंटी वन के बाद बंगाल के मशरकी पाकिस्तान के मुसलमानों ने यह नहीं कहा कि जी अब हम वापस जम हो जाते हैं मगरबी बंगाल में अब हम वापस हो जाते हैं हिंदुस्तान में आज बांग्लादेशी मुसलमान अपने आप को मुसलमान होने पर बहुत फख्र महसूस करता है, है। कौमीत का तस्वुर रखता है सो मुसलमान कौमियत जो बुनियाद थी पाकिस्तान बनने की आज भी महफूज है आज भी टू नेशन थियोरी जिंदा है।, है तो ये एक अजीब वरीब मुल्क है अब पाकिस्तान टूडे टू थाउजेंड एंड नाइनटीन में इज ए सिंबल ऑफ ए यूनिक नेशनलिज्म एक अनोखी कौमी शिनाख्त तो अभी भी सवाल जारी हैं यह कोई हतमी एक ऐसे मरहले पे मैं नहीं पहुंचा हूं कि मेरे पास सारे सवाल जवाब हों लेकिन मैंने यह सोचा कि मेरा फर्ज बनता है जब मेरे ऐसी बातों का जिक्र करता था, कभी मैं अपने पुराने स्कूल में चला गया वहां के मेट्रिक या क्लास एट के बच्चों को मैं समझा रहा था पाकिस्तान के बारे में एक लड़का खड़ा हुआ ये आठ साल से ज्यादा की बात है उसने कहा जावेद साहब ये जो सब आपने बातें बताई हैं ये किसी किताब की शक्ल में मौजूद है मुझे ऐसी शर्मिंदगी हुई कि मैं उसको कोई किताब का हवाला नहीं दे सक रहा था और अनफॉर्चुनेटली जो हकैक इन दो किताबों में मौजूद है पाकिस्तान यूनिक और यूनिक डेस्टिनी अनोखी तशकील अनोखी तकदीर ये और फिर ये जो नई किताब है पाकिस्तानियत क्या है ये किसी और टेक्स्ट बुक में नहीं मिलती नहीं। और मैं इसमें कोई दावा या शेखी नहीं कर रहा मैं सिर्फ बड़े एहतराम के साथ और इनके सारी के साथ अर्ज कर रहा हूं तो उसने फिर मुझे मजबूर किया कि मैं किताब लिखूं नहीं। नहीं। पहले वो वाली पाकिस्तान अनोखी तश्ल और ये पाकिस्तानियत क्या है नहीं। नहीं। और इसमें हमने आइडेंटिफाई किया है फोर्टी वन एलिमेंट्स मुख्तलिफ मसलन जैसे हर शख्स के एक कान होता है नाक होती है होठ होते हैं आप जैसे महबूब शेख साहब के मुख्तलि फीचर्स होते हैं ना तो एक पाकिस्तानी नेशन के क्या फीचर्स हैं तो मेरी गिनती के मुताबिक वो हैं फोर्टी वन फोर्टी वन उसमें तीस जो है शुक्र है कि पॉजिटिव है मुस्बित हैं।, हैं। उनको मैंने तकसीम किया है मुख्तलिफ हिस्सों में इंफरादी शनाख्त इज्तमी शिनाख्त इरत से बनती हुई शनाख्त अपने आप को जोर से इस्टेबलिश करने की शिनाख्त और एक है ग्यारह अनासर ऐसे हैं जो बदकस्मती से मनफी हैं जैसे रात और दिन यक वक्त चौबीस घंटे में मौजूद है ना या भी है रोशनी भी है तो इस वक्त हमारे पाकिस्तानी कौमी शिनाख्त में तीस बड़े मसबित पहलू हैं लेकिन अनफॉर्चुनेटली ग्यारह हैं और हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि वो ग्यारह मनफी जो अनासर हैं चाहे वो रिश्वत खोरी का कबूल करना गए इंतहा, गए। इंतहा पसंदी को बर्दाश्त करना तंग नजरी को और मजहब और फिर वारीत को बर्दाश्त करना एक गलत किस्म के मजहबी को पेश करना वगैरह वगैरह कई और इससे आपने एक मैसेज आवाम को देना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान क्या है लेकिन इस वक्त जो मौजूदा हालात है अगर उनपे नजर दोड़ाई जाए तो आप समझते हैं की हमारे सियासतदान वो काम कर सके जो वाकई में हमें एक जगह एक कौम के तौर पे जमा कर सका है अब तक पाकिस्तान वो काम पाकिस्तानी ने वो काम कर कर सक कर, कर चुके नहीं ये।, ये पाकिस्तान पाकिस्तान में सियासत करना और पाकिस्तान मर हुक्मरानी करना माशाल्लाह बहुत ही मुश्किल तरीन काम है ये, ये।, ये आसान ये। मुल्क नहीं है इसको गवर्न करना ये। 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 उस एतबार से जो भी हो रहा है ये एक किस्म का नागुजी मरहला है हमारे तौर पर तरक्की लेते हुए मुश्किल बर्दाश्त करते हुए मेच्योर होने में हम एक बड़े नन्ने मुन्ने मुल्क हैं तारीख के अतबार से हमारी उम्र सेवेंटी फोर ईयर है ना अरेमिया नाइनटीन थर्टी थ्री से पहले तो लफ्ज पाकिस्तान ही नहीं था नहीं। कोई जानता ही नहीं था कि पाकिस्तान क्या चीज है तो हम तो नन्हे मुन्ने अभी तो डायपर्स बांधे हुए हैं अभी तो, तो बेबी मिल्क हम पी रहे हैं क्योंकि कौमें और रियासतें रियासतें तो बाद में कौमें हजारों साल से उनकी शिनाख्त बनती है चीन की कौम ले लें तुर्की ले लें रूस ले लें ईरानियन ले लें मिस्री ले लें मिस्र ले ले। में कौन रहता है मिस्र में आज अरब मुसलमानों की अक्सरियत है लेकिन मुसलमान होने से पहले भी वो मिसर था मिसर सिर्फ नाइनटीन फोर्टीज में नहीं बना फिफ्टीज में नहीं बना 1933 से पहले तो लफ्ज ही नहीं था पाकिस्तान का 1947 से पहले तो मुल्क नहीं था पाकिस्तान का कोई रकबा नहीं था जिसको लोग कहते थे जी ये पाकिस्तान है तो हमारी जो शिनाख्त बनी है बड़ी अनोखी है तो हमें ये अडॉप्ट करने में इसको समझने में वक्त और सबर

हमने रिलीज की पाकिस्तान की पहली अंग्रेजी सिनेमा फिल्म और साथ उर्दू वर्जन भी था उसका 1976, 1976 okay. उसका उर्दू वर्जन का नाम था मुसाफिर okay. और मकसद शायद दो से ज्यादा थे लेकिन मैं दो बयान करूंगा एक के बावजूद इसके कि अंग्रेजी जबान पाकिस्तान की भारी अक्सरियत बोलती नहीं है लेकिन अंग्रेजी जबान के एतबार से एक अहम रोल अदा करता ए, करती है पाकिस्तान भर में चाहे वो अदलिया हो गवर्नेंस हो चाहे हमारे करेंसी नोट, करेंसी हुँ, नोट हुँ, हुँ, हो हो, ड्राइविंग चाहे तो अंग्रेजी हर जगह आपको नजर आती है और एक तबके में अंग्रेजी बोली जाती है घरों में भी तो उस हकीकत की अक्कासी करते हुए हमने वो फिल्म बनाने की कोशिश की okay. कि ये भी पाकिस्तान का एक हिस्सा है uh -huh. साथ साथ उस कहानी की नौत ऐसी थी कि मरकजी एक नौजवान होता है फिगर हीरो uh -huh. हीरो uh -huh. पाकिस्तानी फिल्मों में हीरो के साथ हेरोइन बनी जरूरी है uh -huh. और हेरोइन की पूरी जिंदगी उस हीरो के, हो थी थी। <laughs> के हीरो जो करेगा तो उसकी किस्मत बनेगी उसके बरक्स इस कहानी में तीन खातीन से इसका रिश्ता बनता है वो तीन खातन बड़ी आजाद मिजाज की होती हैं। वो इसका इंतजार नहीं करती कि जी हीरो हमारी तरफ मेहरबानी करे वो अपनी अपनी जिंदगी में मसरूफ होती हैं और वो फैसले अपने मुताबिक करती हैं। और पहली बार पाकिस्तानी सिनेमा में पढ़ी लिखी खातन को सिनेमा में अदाकारी करने का मौका मिला।, मिला। आ, इस फिल्म के जरिए इससे पहले अनफॉर्चुनेटली बड़ी मोजि खुत आती थी लेकिन उनका तालीम से, तालीम से नहीं बहुत महदूद था।, था तो इसमें पहली बार बहुत अला मैार की तालीम हासिल करने वाली खुवा ने तैयारी तैयार थी कि वो अदाकारी करें मुनीजा हाशमी साहबा जो फैज़ अहमद फैज साहब की साहबजादी हैं मरियाना हक जो एक टीचर रही हैं ग्रामर स्कूल कराची में और शमीम हिलाली जो आज भी टेलीविजन सीरियल्स में शमीम अहमद के नाम से और शमीम हिलाली के नाम से मशहूर हैं ये तीनों के लिए पहली दफ़ा सिनेमा फिल्म में काम करने का मौका था माशाला आपका पूरा तो, घराना जो है वो एक, एक मीडिया इंडस्ट्री के अंदर छाया हुआ है अगर मैं जिक्र करूँ आपकी साहबजादी महरीन ने, का ने, महरीन जब्बार का एक नाम है आपने एक फिल्म बनाई महरीन जब्बार ने उसको डायरेक्ट किया दिया। और प्रोड्यूस भी किया पाकिस्तानी। बनाने का मकसद क्या था उस फिल्म के अंदर एक मैसेज भी दिया गया बता दूं वजाहत कर दूं ये स्टोरी हकीकत पर मबनी है और ये स्टोरी मेरी थी लेकिन इसका स्क्रीन प्ले मोहम्मद अहमद एक बड़े नामवर मुसन्फ हैं पाकिस्तान में उन्होंने पूरा किया लेकिन आइडिया मेरा था क्योंकि कुछ गुजशत तीस साल से मैं थर पार्कर में काम करता हूँ रजाकार काम जहां परिस्सा पर वाहिद वाहिद है, है पाकिस्तान का जहाँ पचास फीसद आबादी हिंदुओं पर मुश्तमिल है और उनमें से भी भारी अक्सरियत दलित जो जात होती है ना जिसको कहते हैं निचली जात के सबसे ज्यादा बेचारे पसमानदा होते हैं तो उनके साथ ये वाक हुआ कि एक हिंदू पाकिस्तान के का बच्चा और उसके वालिद गलती से हिंदुस्तान की सरहद को पार कर कर वहां कैदी बन जाते हैं तो फिर उनके वालदा पे जो गुजरती है बच्चे की ट्रेजिडी और सबसे ज्यादा अहम कि वो बच्चे का जो लगन और उसके वालिद का लगन पाकिस्तान की धरती के साथ तो एक अजीब दिलचस्प तजाद मुझे नजर आया कि उमन समझा जाता है कि जी पाकिस्तान तो सिर्फ मुसलमानों के लिए बना लेकिन पाकिस्तान बना इंसानों के लिए जिसमें सरेवल तो थे मुसलमान और हैं लेकिन कुछ गैर मुसलमान भी हैं और वो उतनी ही लगन रखते हैं पाकिस्तान के साथ जितना मुसलमान रखते हैं तो हमने कास्ट किया वो रोल जिसमें बच्चे की वालदा की जो रोल था वो हमने दानिशा तौर पर भारतीय अदाकारा को दिया ताकि हम आहंगी भी पैदा हो अच्छा गुजश्ता तो। आठ साल से आप इधारा है आई यू सी एम जी हाँ तो ये आई जो है वो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्वर्जेशन एंड नेचुरल क्या है ये इससे क्या इसमें क्या कर रहे हैं कुछ कुछ 1948 में ये बनाया गया इदारा क्योंकि महसूस हुआ कि ये तरक्की के नाम पर जो तबाही भी हो रही है दुनिया की क्योंकि तरक्की हासिल करने के लिए आप कई कुदरत के दिए गए विरसे में कई खूबसूरतियों को हम तबाही कर, कर रहे हैं, हैं। आलूदगी के जरिए और तबाही के जरिए तो महफूज करने के लिए ये वाद तंजीम है दुनिया की जिसमें रियासतें हुतें एन जी ओज गैरहकूमती तंजीमें और कुछ बारह हजार साइंसदान और तहकीक करने वाले लोग सब इसके मेम्बर हैं तो क्योंकि माहौलियात और आबादी के पहलुओं से मुझे बड़ी दिलचस्पी रही है आठ साल मुझे इसका आ, एक क्या कहते हैं ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट यानी कि बैन अवी नायब सदर के तौर पर मुंतब किया गया तो बहुत सीखने का मौका मिला और अपने मुल्क में और पूरी दुनिया में नहीं। नहीं। बेहतर पॉलिसीज़ को तश्कील देना अकाहद में इसकी एक नशस्त है ऑब्ज़र्वर इदारे के तौर पर और वो जा काम आज भी जारी है पाकिस्तान में आई ने बहुत अच्छा काम किया और वो हम उसको जारी रख रहे हैं मुखलिफों में आ, आप पाकिस्तान से आए रिस अभी गुज्त तीन साल से आपका गैप था कैनेडा और पाकिस्तान के दरमियान काफी आते रहते थे कैनेडा पाकिस्तान की जो मेन अहम इश अवाम के सेहत आमा और एजुकेशन ये, ये। उसको अब तक फोकस नहीं किया गया जो कि आवाम का राइट है उसको करना चाहिए था मौजूदा गवर्नमेंट से आवाम को बड़ी उम्मीदें वाबस्त थी और आपका ये गैर जानबदारी गैर जानबदार इदारा भी तहकीकती इधारा है पॉपुलेशन कौंसल तो उस इे के तहत जो गैर जानबदार है आप क्या समझते हैं पाकिस्तान में जो है वो तालीम सेहत और जो है वो ये हालांकि ये इदारा जो है जिसके पाकिस्तान ऑफिस का मैं कभी कभी उनको गलत मशवरे देता रहता हूँ एज एडवाइजर इसका ताल्लुक आबादी के साथ है आ, बढ़ती हुई आबादी।, आबादी को कैसे तो सही किया जाए ताकि पाकिस्तान उन बड़े बड़े मुसलमान ममालिक का साथ दे जो कई साल कबल आबादी के फैलाव पर एक तर, मुनासिबत हासिल कर चुके हैं हम सबसे पीछे रह गए आपको अंदाजा मैं दे जी जी नहीं हमारे पड़ोस मुल्क ईरान जिसको कहते हैं ना इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान जिसमें एक गैर मुंतब आयतुल्ला एक मुंतब पार्लियामेंट को भी वीटो कर सकता तो है।, है वहां पर वहा शादीशुदा जोड़ों में से 80 फीसद जोड़े फैमिली प्लानिंग करते हैं 80 फीसद पाकिस्तान में 35 फीसद कॉन्ट्रोसेप्टिव यूज ही नहीं करते नहीं। या रियासत उनको फराहम नहीं करती नहीं। तो ये सहूलियात को बढ़ाने के लिए इस वक्त बड़ी जिद्दोजहद जारी है विफाखी सतह पर चारों सूबों की सतह पर और आहिस्ता हाँ किस तरह तो पैदा किया जाए तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि उसको कंट्रोल कर दें बल्कि बताएं एहसास दिलाएं कि जी जब तक आपके पास जराए ना हो गैर ज़रूरी तौर पर पैदा ना करें बच्चों को उनके साथ ज्यादती है आप जब तक बच्चों को तालीम नहीं देंगे सेहत नहीं देंगे बड़ी गैर जिम्मेदारा ये पहलू है बाज़ लोगों का जिन्हें बच्चे पैदा करते जाए कुदरत उनका ख्याल रख लेगा िया कहते हैं कि जी जिम्मेदारी लो तोजुन रखो रहमान में देखें तोजुन पे जो, जो जोर दिया गया है तो वो एक पहलू है लेकिन मैं आपसे इतफाक करता हूं कि तालीम और सेहत और तरबियत ताकि आप अपने अपने सलाहियतों को सही किस्म की एक

उस पर पानी फेरा पानी जाता है आपको नजर नहीं आता नहीं। क्योंकि अगर आप अच्छा स्कूल भी बनाते हैं तो फिर उससे जितनी नशिस्तों की गुंजाइश है उस स्कूल में, उससे ज्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं और इस वक्त हाल यह है एक अंदाजे के मुताबिक डेढ़ करोड़ डेढ़ करोड़ बच्चे और बच्चियां स्कूल नहीं जाते नहीं। नहीं। या स्कूल जाने के बाद प्राइमरी स्कूल तक वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं क्योंकि सेकेंडरी स्कूल नहीं है खासतौर पर लड़कियों के लिए तो कई मराहल हैं कई इसकी सरहदें हैं जिस पर यह स्ट्रगल जारी रखना है बच्चियों की बहुत कबल वक्त शादी कर देना चौदह साल की उम्र पे पंद्रह साल की उम्र पे की कई दफा मैं ऐसी बच्चियों से मिला हूँ जिनकी उम्र मुश्किल से अट्ठारह उन्नीस साल नहीं है कानून पास हो चुका है अब सिर्फ सिंध में हुआ है ये देखिए बाकी के तीनों सूबे में होना अठारह उन्नीस साल की उम्र पे उसने ऑलरेडी तीन बच्चे पैदा कर दिए जबरदस्त थी तो ये एक बड़ा कलेक्टिव स्ट्रगल है जिसे हमें जारी रखना पड़ेगा और तब्दीली आएगी आप कराची बैस है आपका अपना घर है लेकिन अगर हम कराची के ऊपर नजर दोड़ाएं तो ऐसा महसूस होता है कि कराची के मसाइल जो है उससे किसी सियासी जमात को कोई दिलचस्पी नहीं है हुकूमत पीपल्स पार्टी की रही हमेशा वजारतें सारी पीपल्स पार्टी के पास रही हैं वजी अलग पीपल्स पार्टी के रहें yeah. कराची की जो अपनी आवाम है वो इस वक्त जिस कश्मकश का शिकार है क्या इसका कोई हल नजर आता है आपको कि क्या हल है इसका सही नहीं आप सही फरमा रहे हैं एक अजीब, अजीब अच्छा आपको है। माशी हब है कराची सच ए डायमिक सिटी सबसे ज्यादा मैार है उधर ख्वानदगी का तालीम का और पैदावार का इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी का और फिर भी इट इज uh, कि ये यतीम शहर यतीम है शहर। कोई इसका कोई हाल नहीं है। एक वजह ये है कि आबादी की जो नोयत है उसका कॉम्पोजिशन है वो बदल रहा है उमूमन समझा जाता है कि कराची में ज्यादातर उर्दू बोलने वाले रहते हैं बड़े अदब के साथ ये दुरुस्त नहीं है अच्छा। इस वक्त कराची दुनिया का सबसे ज्यादा बड़ा पश्तून शहर बन चुका है ज्यादा पश्तो बोलने वाले लोग कराची कराची में रहते हैं पेशावर के, तो कराची की आबादी की बदल रही है और उसका कुछ असर हमें सियासी प्रोसेस में नजर आता है कि वहां एक अजीब गफलत है कौन सी सियासी जमात सही तौर पर पाकिस्तान कराची की आबादी की नुमाइंदगी करती है एक तंजीम थी जिसको कई साल तक ये अक्सरियत हासिल हुई लेकिन उसका कॉन्फ्लिक्ट था एम क्यू एम का पीपल्स पार्टी के साथ और पीपल्स पार्टी बावजूद इसके कि उसने अठारहवीं तरमीम को मुमकिन बनाने में बड़ा बेहतर अदा किया लेकिन सही मायनों में इकतदार सूबे के मरकज से आवाम के मरकज तक नहीं, नहीं पहुंच पाया, अभी तक नहीं गया और ये तकरीबन चारों सूबों में है तो ये स्ट्रगल जारी रखना पड़ेगा और कराची की जो लोकल गवर्नमेंट है उसको बिल्कुल बिल्कुल पावरलेस बना दिया है आपका मीडिया इंडस्ट्री से ताल्लुक रहा है और रेडी भी है आपका माशा फिल्म मेकर भी है राइटर भी है मॉस इंडस्ट्री जो है आपकी मॉस कम्युनिकेशन हमने पढ़ा भी है बहुत सारी किताबें पढ़ी हमने तो एक प्राइम टाइम है पाकिस्तान की आवाम जो है शाम सात बजे से लेकर ग्यारह बजे तक ऐसा लगता है कि इंडस्ट्री के अंदर जो है न्यूज़ इंडस्ट्री में एक लड़ाई जंग जारी है मुर्गे लड़ रहे हैं आपस में सत्तर फीसद पाकिस्तानी अवाम का प्राइम टाइम जो है वो ज़ाहिर हो रहा है जिस तरह सत्तर फीसद पानी ज़ाहिया हो रहा है तो क्या इसका आपने मेरे ख्याल में आपने चीफ जस्टिस से अपील भी की कि इसके ऊपर नोटिस लिया जाए मैंने एक दफ़ा सेमिनार में जिक्र किया था फिफ्थ दिसंबर सन दो को चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने एक सेमिनार ऑर्गेनाइज किया था जिसमें वजीर आजम भी आए थे तो उन्होंने मुझे बड़ी इज्जत दी के एक तकरीर पेश करने का मौका तो मैंने उसमें यही अर्ज किया था कि इतना कीमती वक्त जाया हो रहा है बजाय वो बुनियादी इश्यूज़ को उजागर करने के और सिर्फ इश्यूज को उजागर नहीं करना उसके जो मुस्बित हल मुमकिन हैं शहरियों की जिम्मेदारी बिलखसूस वो हम नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं और ये मुमकिन है अगर न्यूज चैनल्स के मालिकान को और एंकर्स को इसमें तरबियत दी जाए उनकी जिम्मेदारी का एहसास बढ़ाया जाए और एक और तरीका है टीवी चैनल्स मत देखें टीवी क्योंकि अब कई और जराए भी हैं पहले से रही हैं आप अखबार को पढ़े अखबार में ठहराऊ है था। था ये फौरी तौर पर अच्छा जावेद जब्बार साहब आपको शायद याद हो कराची के अंदर हमने एक सेमिनार रखा था कराची प्रेस क्लब के अंदर जी मेरे ख्याल आप भी मौजूद थे सेमिनार में हमने एक जब्ता अखलाक बनाया था मीडिया का कि ये और एस एस हाशमी साहब जो एडवर्टाइजिंग के बड़ा नाम जी जी था उनका और हमने ये एक बात तौर येलाक जो है वो पैदा किया था कि जो है वो मीडिया इंडस्ट्री जो है वो फूल दिखाए खुशबू दिखाए अच्छी अच्छी बातें करे दोनों लेकिन लेकिन वो उस पर अमल नहीं हो सका क्या इसमें पैमरा आप समझते हैं कि पैमरा और इन्फॉर्मेशन मिनिस्ट्री जो है वो उसको कोई एकदम उठाना चाहिए बिल्कुल महबूब साहब मुझे शर्फ हासिल है कि पेमरा कानून को ड्राफ्ट करने में ये इस नाचीज का हाथ था हमने वो तैयार किया था कानून जो फाइनली जाके पेमरा लॉ बना सन 2002 में लेकिन उस पर जिस तरह अमल किया गया है बगैर ये सोचे कि कौन से शख्स को या कौन सी कंपनी को लाइसेंस दिया जाए क्या इसका सहाफत से ताल्लुक है तजुर्बा है एहलियत है नहीं है बहुत बेतहाशा बांटा गया तो उसकी वजह से ये एक ऐसी गफलत पाई जाती है इस वक्त उनको कोड ऑफ एथिक्स कोड ऑफ कॉन्डक्ट के ऊपर अमल नहीं करने की इसमें जिम्मेदारी जाती है सबसे पहले मालिकान मीडिया मालिकान मीडिया के मालिकान को पाबंद करना चाहिए उनकी अपनी तंजीम है पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन और फिर पेमरा को जो रियासत की एक बॉडी है उसको भी ज्यादा पाबंद करना चाहिए और तीसरा अदलिया अदलिया को अदलिया को क्यों क्योंकि जब भी पेमरा एक नोटिस सर्व करती है किसी न्यूज चैनल पर कि ये आपने गलत काम किया उमूमन वो जाकर स्टे ऑर्डर हासिल कर लेते हैं तो अदलिया नहीं चाहती कि मीडिया के मालिकान को वो नाराज करे या पता नहीं क्या वजह है इतने स्टे ऑर्डर अभी तक पेंडिंग है बाज दफा अदलिया ने सही एक्शंस लिए हैं और गुजस्ता दिनों में एक चैनल को नैप चेयरमैन के गलत कोई कॉन्वर्जेसन को नशर करने पर सख्ती से उन्होंने कोई फाइन नाजिल किया है लेकिन ये बड़े रेयर इंसेंसिस हैं तो एक इज्तमाही जिम्मेदारी बनती है मीडिया की पार्लियामेंट की रियासत की और एडवर्टाइज़र्स की भी तो वो एडवर्टाइजर्स ऐसे भरपूर अंदाज में सिर्फ सात बजे और दस बजे के दरमियान अपने हाँ, प्राइम टाइम ना बनाएं और समझें कि आवाम की क्या तसरात हैं आ, मीडिया के मतन के बारे में जब आप अपनी मुख्तल किताबों के ऑथर हैं और उसके हवाले से जाने पहचाने जाते हैं बियंड द माउंटेन हो या वट इज़ पाकिस्तानियत हो या पाकिस्तान यूनिक और इसके अलावा जो है वो एक बहुत ही अहम चीज जिसपे आपने डिस्कशन है वो है आप चाहते हैं कि इसके अंदर कुछ तरमी तरामीम की जाए हर हर कानून पर देखिए हदूद ऑर्डिनेंस एक इंसान का बनाया हुआ कानून है आ, वो कुछ ऐसे उसूल की अक्कासी करता है जो कुरान शरीफ में मौजूद हैं लेकिन हर कानून पे नजरसानी की गुंजाइश रहती है क्योंकि कानून इंसान बनाते हैं उसमें कुछ ऐसे शराय या कुछ पहलू हमेशा रहते हैं जिसको वक्त के साथ साथ उस पर रिव्यू करना चाहिए तो ये याद रखते हुए कि कुरान शरीफ ने क्या हमें रहनुमाई दी है और साथ साथ इज्तिहाद के प्रोसेस के जरिए नए इल्म नए हालात का जायजा लेते हुए ये बहस और नज़रसानी करने की गुंजाइश जारी रखनी चाहिए ताकि असल रूह कुरान शरीफ का हम उससे कुछ रहनुमाई हासिल कर सकें लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछने जा रहा हूँ पाकिस्तान और भारत एक दो बड़ी Yeah. मुल्क हैं yeah. जो साजन के अंदर हैं yeah. yeah. जिसकी वजह से दोनों के मामला जो कशीगी चलती है साग के अंदर वो तजारत yeah. का आप देखें पावर्टी लेवल बढ़ता जा रहा है वो मामला yeah. नहीं हर आवाम को रिलीफ नहीं मिला पावर्टी लेवल बढ़ता yeah. जा रहा है आवाम yeah. जो है वो गुरबत की लकीर के नीचे जाती जा रही है आपने इसमें बड़ा अहम किरदार भी अदा किया और एक निमरा मेरे ख्याल में कोई निमराना हाँ ये नहीं एक इनिशिएटिव है इनिशिएटिव एक तरीकेकार है گفتگو जारी रखने का उसमें भी बड़ा आपने एम भी थे उसके तो ये हैं।, हैं अभी भी अभी भी हैं तो इसका हल क्या है पाकिस्तान और भारत के दरमना आपको लग रहा है कि मुस्तकबिल में बर्फ पिघलती भी नजर आ रही है मोदी साहब के आने के बाद हाँ माने कुछ हद तक हम उम्मीद कर सकते हैं लेकिन हमेशा पाकिस्तान और हिंदुस्तान का रिश्ता कुछ ना कुछ कशीदगी के ऊपर मबनी रहेगा क्योंकि नौयत दोनों रियासतों की बड़ी मुख्तलिफ है माशरे में भी बहुत बुनियादी फर्क है लेकिन उसे हम इस तरह मैनेज हमें करना चाहिए कि वो तबाही की तरफ ना ले जाए एक डायनेमिक टेंशन अगर जारी रहता भी है उसे मैनेज ऐसे करें कि उसके कोई मनफी असरा ना हो दूसरे और इस पर भारी जिम्मेदारी इससे इनकार किए बगैर कि पाकिस्तान की भी जिम्मेदारी बनती है लेकिन भारी जिम्मेदारी हिंदुस्तान पर है वो गुना बड़ा मुल्क है हमसे उसका रकबा उसकी आबादी उसके माशी हालात हमसे मुख्तलिफ हैं।, हैं, बड़े हैं पाकिस्तान वाहिद मुल्क है पूरे इलाके में पूरे इलाके में जो हिंदुस्तान की साम्राज्य को तस्लीम करने से इनकार करता है ये बात हिंदुस्तान को हजम नहीं हो रही लेकिन पाकिस्तान माशाल्लाह इस पर फखर करना चाहिए कि हर फोरम से और अमन के सिलसिले में हमेशा हमने एक बड़ी मुसबित रवैया इख्तियार किया है हिंदुस्तान के साथ और मॉरली डिप्लोमेटिकली अब हिंदुस्तान पर यह जिम्मेदारी आती है कि वो रिस्पॉन्ड करें मजाक ही एक तरीका है टेबल जावेद जब्बार साहब शुक्रिया थैंक यू वेरी मच फॉर स्पेंडिंग टाइम विथ अस आपने अपना बड़ा कीमती टाइम हमें दिया नाजीन आपने uh, सबक सैनिटर सबक वफाकी वजीर ऑथर और फिल्म नगार कॉलम निगार स्कॉलर मीडिया इंडस्ट्री के बेताज बादशाह जनाब जावेद जब्बार साहब के साथ हमारी गुफ्त तो शुरु सुनी मुझे उम्मीद है कि आपको फेस टू फेस विद महबूब शेख का ये स्पेशल अपिसोड पसंद आया होगा जावेद जब्बार साहब बहुत की बहुत ही महदूद टाइम के लिए कनाडा आए थे तो हमें इनसे शर्फ हासिल हुआ कि हम इनके साथ बैठ के बातचीत कर सकें और इनकी आने वाली जो तकरीबन रनुमाई है जिस किताब की वॉट इज़ पाकिस्तानियत उसके बारे में आपको बता सकें कि ये क्या बयान करना चाह रहे हैं आप इस किताब का ज़रूर मुताल कीजिएगा आपको पैरामाउंट बुक कराची, कराची ने इस किताब को शाया किया है आप इसको ये अंग्रेजी उर्दू दोनों जबान में है आप इसको जिस जबान में चाहें पढ़ सकते हैं आपको पता चल जाएगा कि वट इज़ पाकिस्तानियत क्या है इसका मकसद क्या था किताब को लिखने का और जावेद जब्बार सबका विज़न भी आपके सामने आएगा माशा अल्लाह पाक ने जो इनको बहुत ही बेतहाशा जो है वो जिन सलाहितों से नवाजा हुआ है वो सलाहतें भी आपके सामने आएँगी अपने होस्ट महबूब शेख को फेस टू फेस्टो थ्री सिक्स के साथ इस शेयर के साथ इजाजत दीजिएगा कि सजदों से तेरे क्या हुआ सदियाँ गुजर गई सजदों से तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गईं दुनिया तेरी बदल जाए वो सजदा तलाश कर पाकिस्तान जिंदाबाद You do not have to wait to protect your dependents and plan your estate. Adolaw will help you take the appropriate steps. Having a will is the most important thing you can do for yourself and your dependents. Not only can a will legally protect your loved ones, it can also spell out exactly how you would like things handled after you have passed on. Adolaw, the legal professionals. At Milton Health Center, we know it's important to have quick and easy access to healthcare provider. Our mission is to provide a safe, caring and compassionate environment where patients are actually listened to and are offered professional medical advice. We offer family medicine, walk-in clinic, travel and yellow fever clinic, circumcision, Botox and Filler. Milton Health Center. Make an appointment today at 905-693-6400 or visit www.miltonhealthcenter.com. If you are looking for a reliable, professional and affordable travel agency in your town, then your search is over. Global Travel and Tours is your personal travel partner. Our dedicated staff always ready to make your trip hassle-free, memorable and cost-effective. We will assist you with hotel reservations, the transportation, visa assistance and travel insurance. Please give us a call right now at 1-877-275-35 the law professionals at TM Law, providing professional services in the GTA in the areas of civil litigation, criminal defense, family matters, and real estate, serving the community in English, Punjabi, Hindi, and Urdu. For more information, call Tahir Majid, barrister and solicitor. At 647 838 4773, or you can visit thighherrlaw.ca. Imagine a carefree lifestyle in a tranquil town of Bowmanville. Appleview, traditional style freehold townhomes that are elegant and future rich, designed to feel home. Bowmanville will have expansion of GO Train and Highway 407, new Ontario power plant, and new Toyota distribution facility. We invite you to get special incentives for a limited time. Call now 416-897-4714 or visit AppleviewHomes.com.